I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. मौसमी के एकदम नए रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मौसमी लिए है और इसका छिलका अपन आसानी से ऐसे उतार लेंगे, लेकिन कभी भी इसके छिलकों को फेंके नहीं। मैं हमेशा क्या करती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ इसके छिलकों का, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा करता है। इन्हें सुखा कर इन्हें इनका पाउडर बनाकर उबटन कर सकते हो। गर्मियों में क्या है कि जी घबराता है, उल्टी वगैरह होती है, वो मन रहता है, तो इनको अपन सुखा कर रखते हैं तो इनकी खुशबू लेने से माइंड सही रहता है और उल्टी वगैरह नहीं आती है। ये देखिए जो थोड़े से ऐसे छिलके से रहते हैं, इनको अपन इसमें से क्या है साफ कर लेंगे। और एक मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है और इसमें ये ऑरेंज डाल देंगे। अब तीन ऑरेंज लेते हैं तो एक गिलास के अकॉर्डिंग ये रेसिपी बनेगी। और दो ऑरेंज मैंने यहाँ पर लिए है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक चम्मच शक्कर ऐड कर दी हूँ, लेकिन मैं पानी वगैरह ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी जैसे अपन ऑरेंज तो कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो पहले से इसमें पानी रहता है, पानी ऐड करेंगे तो फिर ऑरेंज का थोड़ा हल्का फ्लेवर टेस्ट कम आ जाता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, केवल ये शक्कर ऐड कर रही हूँ और ये ऑरेंज, और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक चम्मच भी मैंने इसलिए शक्कर की ऐड की है क्योंकि मौसमी खट्टी होती है, और इसे अब मिक्सी में पीस लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, लेकिन ज्यादा ग्राइंड फेंटना नहीं है, वरना क्या है इसमें जो बीज है अपन ने निकाले नहीं है वो पीस जाएंगे, तो थोड़ा सा हल्का सा कड़वा टेस्ट आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा हल्का ही पीसना है, ज्यादा ऐसे बारीक नहीं करना है। और अब इसे छान लेंगे। ये जूस पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये भी शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, तो स्किन में निखार आता है, चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे ये भी नहीं होते हैं। अगर अपन खाली पेट सुबह सुबह ये ऑरेंज का जूस पीते हैं, आप शुगर ऐड मत कीजिएगा, वैसे ये बिना विदाउट शुगर भी पी सकते हो तो भी ये खट्टा खट्टा टेस्टी लगता है, लेकिन शुगर इसलिए ऐड करते हैं कि हाँ खट्टा मीठा और ज्यादा टेस्टी लगता है। कुछ लोग क्या है इसे मसाले वाला जूस भी बनाते हैं। इस टाइम क्या करते हैं, वो काली मिर्च और भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर फिर इसका ये मसाला तैयार करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल सिंपल पसंद है और सिंपल ही ज्यादा बेनिफिट करता है। अब ऐसा करके अपन सारा जूस छान लेंगे। और ये देखिए पूरा जूस मैंने छान लिया है। अगर आप सर्दियों के टाइम में बना रहे हो, मैं ये सर्दियां स्टार्ट हो गई तब बना रही हूँ, इसलिए आइस ऐड नहीं कर रही। अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो कच्ची आइस इसमें ऐड कर सकते हो। और ये लीजिए अपना जूस तैयार हो चुका है। और ये देखिए थोड़ी सी एक मैंने ऑरेंज रख भी रखी है, को मैंने यहाँ पर बीच में से हल्का सा कट कर लिया और ऐसे ऑरेंज लगाएंगे। और ये लीजिए अपना टेस्टी सा ऑरेंज का जूस बनकर तैयार हो चुका है। फायदे मैंने आपको बता दिए हैं, आप खाली पेट पी सकते हो, आफ्टरनून में पी सकते हो, सर्दियों में, बस शाम को वगैरह नहीं पीना चाहिए क्योंकि अपन खाना वगैरह खाते हैं तो ये इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं और बनाने का सही तरीका भी।